Good morning, my dear children. Today we will learn to write letter F and we'll learn some objects with letter F as well. But before that, activity time. And children, our first activity is lady fingerprinting. And lady finger से ये देखो, what do you need for this? आपको three colors चाहिए, एक तो brown, and you see this brown, and green. एंड जो थर्ड कलर होगा वो आप कोई भी ले सकते हो जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना है, ठीक है. तो लेडी फिंगर विद द हेल्प ऑफ लेडी फिंगर हम बनाने वाले हैं फ्लावर. क्या बनाने वाले हैं? फ्लावर. और ये आपको काटे चाहिए, ठीक है. ये कट होना चाहिए, छोटू छोटू होना चाहिए, नहीं कि आप बिग वाला यूज़ करो, ये कट होना चाहिए. तो आपको कैसे बनाना रहता है, हमने ये लेडी फिंगर लिया, मैम इसको डिप करेंगी रेड कलर में, ठीक है. हमने इसको डिप करा, देखो. एंड नाउ मैम इसको क्या करेंगी, यहाँ पर फ्लावर बनाएंगी. कैसे बनाएंगी? सर्कल शेप में. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, बस, ठीक है. ये क्या बना दिया मैम ने? फ्लावर. और इसके बीच में एक, व्हाट इज दिस? इट्स अ फ्लावर. बट इसके लिए अब हमने इसको रेड कलर से यूज़ करा था, हम इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फिर कलर मिक्स हो जाएगा. अब हम एक और पीस लेंगे, अब हम ब्राउन कलर में डिप करेंगे मैम, देखो, ठीक है. अब हम इससे बनाएंगे नीचे, ठीक है. वन, टू, थ्री एंड वन, फोर, ओके. इसे बना दिया. अब इसकी लीव्स का टर्न है. एंड नाउ वी यूज वन मोर पीस ऑफ लेडी फिंगर. और लीव कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की ना, सो वी यूज ग्रीन कलर. आपको टू राइट साइड में लगाना है, वन एंड टू, टू राइट साइड में और टू लेफ्ट में, वन एंड टू, दैट्स इट. सी व्हाट इज दिस? इट्स अ फ्लावर. कैसा लग रहा है? क्यूट लग रहा है ना? वेरी गुड. Yes, so now we will write letter F. कैसे लिखते हैं? देखो, standing line, one standing line बनाया आपने, okay? And then सबसे top से आपको बनाना है sleeping line. Sleeping line like this, okay? बहुत big नहीं और बहुत छोटू भी नहीं. And थोड़ा सा नीचे आकर आपको one more sleeping line, बस stop. ये वाला जो sleeping line है ये इससे छोटू होगा. Which letter is this? Letter F. Letter F. ठीक है. And F for flower. F का साउंड होता है F. Okay. F for flower. Yes, children. And now we will do tracing in semolina. तो semolina में देखते हैं कि हमें letter F कैसे बनाना. So let us see. चलो देखो. आपको पहले फिंगर रखना है. यू हैव टू मेक वन स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन बनाया मैम ने, ओके. देन आपको जहाँ से अपने स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करा है यहीं पर आप अपना फिंगर रखोगे और यहाँ से राइट साइड में बनाएंगे स्लीपिंग लाइन लाइक दिस, ओके. बस ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना. फिर इससे थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से भी हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन राइट साइड में, बस. पर ये बिग नहीं होगा ज़्यादा, ये इतना ही रहेगा, ओके. विच लेटर इज दिस? लेटर F. Letter F. And the sound of letter F is F. 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 Let us see some object with letter F. F for fisherman. F for food. F for fox. F for fingers. F for fish. F for fire. F for fly. ये उड़ती है ना बी. F for foot. F for frog. F for four. Number four. F for flower. F for father. F for family. F for fast.
F for flag. And the last is F for fruit. And now children, let us see some pictures in the book. कितनी सारी pictures हैं ना यहाँ पर? Can you see? Yes. तो one by one हम सब pictures देखते हैं. And उससे पहले, tell me which letter is this letter? F letter. F. Very good. And letter F के साथ क्या है? F for fairy. Fairy. Okay? F for fairy. Yes. Next is F for farmer. F for farmer. And ये farmer यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने क्या लगाया है? F for farmer's market. F for farmer's market. और farmer's market में क्या है? F for fresh. F for fresh vegetables and fruits. तो F for fresh and F for fruits. Yes. F for flowers. Yes. And F for frog. F for fish. और यहाँ पर और भी fishes हैं और यहाँ पर और भी frog हैं, right? F for fisherman. देखो ये fishes निकाल रहा है ना, तो ये fisherman है. ये वाला boy यहाँ क्या कर रहा है? Fishing कर रहा है. क्या कर रहा है? Fishing. देखो. So F for fishing. F for fishing. Yes. And इसके hand में क्या है? Can you see what is this? F for flute. F for flute. Yes. That is a type of instrument. Musical instrument होता है ना, ये वो है. और ये वाले बॉय के हैंड में क्या है? F for football. Yes. So these were your pictures from letter F. And now we will learn to write in our book. So let us see. Yes, beta. तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर हमें क्या स्टेप करना है. अभी मैम ने आपको सिखाया ना, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन. बेटू आराम से करना, आपको कोई जल्दी जल्दी नहीं भगाना. राइट, स्टैंडिंग हुआ. एंड देन वील रिपीट द फर्स्ट स्टेप और उसके आगे फिर हम नेक्स्ट करेंगे. स्टैंडिंग लाइन, देन जहाँ से हमने स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करा था इधर से आपको क्या स्टार्ट करना है? स्लीपिंग लाइन. एंड उसे थोड़ा सा नीचे आके वन मोर स्लीपिंग लाइन. एंड लेटर एफ इज कंप्लीट. लेटर एफ, विच लेटर इज दिस? लेटर एफ. यस. एंड नाउ वी विल लर्न टू राइट ऑन द डॉट्स. अब तो हम सब हमारे बेबीज को ना ये स्टैंडिंग लाइन बनाना भी आ गया है और ये स्लीपिंग लाइन बनाना भी आ गया है. राइट बेटा? यस. तो आप तो जल्दी से बना लोगे, है ना? तो आज हम लेटर एफ जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे. देख लो एक बार, फिर भी देखते हैं मैम कैसे बना रही है. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज स्टैंडिंग लाइन, ओके, देन स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपिंग लाइन. अब ये बताओ कि जो ये मैम ने बनाया है ये राइट है या रॉन्ग है? इट्स रॉन्ग. ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो मैम ने कहाँ रखा है? मैम ने डॉट्स के ऊपर पेंसिल चलाया? नो. मैम ने इधर भी डॉट्स के नीचे चलाया और इधर भी डॉट्स के नीचे. तो दिस इज़ रॉन्ग. ऐसे ही ना कुछ भी बहुत जल्दी 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 करके वर्क भेज देते हैं और वो सारा रॉन्ग होता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग. अगर आप डॉट्स पे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे कर दोगे उसको या थोड़ा सा साइड में कर दोगे, वो रॉन्ग हो जाता है बेटू. ठीक है, ये आपको आराम से लिखना. देखो डॉट पे रखा मैम ने, उसके बाद डॉट के ऊपर आराम से लेकर आएंगे. स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस. ठीक है, अगेन स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपिंग लाइन. बट जो छोटी वाली लाइन है, ये सेकेंड वाली लाइन जो है ये से क्या है? छोटू है, तो आप बिग नहीं बनाएंगे. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑन डॉट्स. एंड नाउ आपको यहाँ पर कैसे लिखना है देखो. विदाउट डॉट्स आपको पिंक लाइन से स्टार्ट करना है. स्टार्ट करा और ब्लू लाइन पर स्टॉप. सेकेंड वाला ब्लू लाइन देखो, वन और टू, ये सेकेंड वाली ब्लू लाइन है ना, यहाँ पर स्टॉप. स्टैंडिंग लाइन बनाया, पिंक लाइन में स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर
मोर स्लीपिंग लाइन, बट छोटू वाला, बिग वाला नहीं बनाना. विच लेटर इज दिस? लेटर एफ. लेटर एफ. एंड एज यू ऑल नो कि जब हम लिखते हैं कोई भी लेटर तो हम उसके साथ क्या बोलते हैं, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स उसका साउंड के साथ, राइट? तो एफ फॉर फुटबॉल, एफ फॉर फिशरमैन. एंड इन दिस वे आपको ये कंप्लीट करना है. ओके बच्चे, एंड यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं, यू हैव टू कलर ऑल दीज पिक्चर्स. और अगर आपकी बुक में कोई और एक्टिविटी है तो आप वो भी कर सकते हो. ओके, बट आपको अपना वर्क बहुत अच्छे से करके देना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर बेटा, विल मीट यू सून, बाय.